हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे आर्निका मोंटेना। तो गाइस, जो ये आर्निका मोंटेना, ये जो मेडिसिन है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फिर इसका जैसे हम पढ़ते हैं कि इसका मेंटल जनरल्स क्या हो गया, ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे। तो मैं इसको आपको पहले ऐसे एक रफ वर्क में आपको बताना चाहूँगा कि इसको हम कैसे, एक पर्सन होगा वो कैसे खुद को डिस्क्राइब करेगा, वो कैसे होगा, मैं आपको इसी तरह बताना चाहूँगा। एक बार का पेशेंट है, ठीक है? तो ये मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में बताऊँगा ताकि आपको याद हो जाए, और जब आप दोबारा से लेंस की नोट पढ़ोगे तो आपको उसमें फिर ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं इस स्टोरी से आप रिलेट करके कि कैसे वो पर्सन होता है। तो ये हो गया आर्निका मोंटेना, एक पर्सन है। तो ये पर आर्निका क्या होता है, इसका जो ये आर्निका होता है, ये प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है, ठीक है? तो टू बी वेरी स्पेसिफिक, इसका होता है फैमिली कॉम्पोजिटे। तो ये जो कॉम्पोजिटे फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये जो कॉम्पोजिटे फैमिली का जो ये फैमिली, ठीक है, इसमें और भी सारे मेडिसिन है, बस आर्निका नहीं है। तो ये जो इनकी थीम होती है, ये जो फैमिली की थीम होती है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो अलग अलग फैमिली होती है, तो उसी तरह ये जो कॉम्पोजिटे वाले फैमिली की थीम होती है ना, इसकी थीम होती है इंजरी। तो इनकी लाइफ क्या होती है, ये आर्निका पर्सन की लाइफ क्या होती है, इस इंजरी से, इस इंजरी में इसकी लाइफ रिवॉल्व करती है, ठीक है, रिवॉल्व करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इंजरी होगी, इसका मतलब ये है कि इस आर्निका पर्सन है, ठीक है, आर्निका मोंटेना पर्सन है, इसको इंजरी हुई है कभी भी। तो इसका जो इंजरी हुआ है, तो इसका, इसको अगर किसी ने, जैसे समझ लो कुछ किसी ने मारा हो, ठीक है, या फिर इसको कहीं से चोट लग गई हो, ठीक है, तो क्या होगा, इसका रेस्पॉन्स क्या होगा, कि ये इवन वो नॉन लिविंग थिंग्स हो या फिर लिविंग थिंग्स हो, इसका रेस्पॉन्स होगा इसको इंजर बैक करना, ठीक है, इसका इंजरी का रेस्पॉन्स होगा इंजर बैक करना। तो इस तरीके का होता है आर्निका का थीम, ठीक है, ये कॉम्पोजिटे का थीम होता है, तो आर्निका पर्सन भी इस पे लाई करता है। तो ये ऐसे होता है, तो ये जो आर्निका पर्सन होता है, ये बहुत ज़्यादा टफ गाय होता है, ठीक है, टफ गाय इन द सेंस ये होता है कि इसको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है। तो इससे कारण क्या होता है कि ये सोचता है कि इसको ना बिल्कुल वो नहीं होता है, कि इसको नथिंग्स द मैटर विथ हिम, ये ऐसा बोलता है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, इस तरीके का होता है, क्योंकि इसको लगता है कि ये तो किसी को भी इंजोर कर देगा, मैं तो बहुत ज़्यादा टफ हूँ। अगर कोई टफ गाई तो कहेगा ना कि मैं किसी को भी इंजोर कर दूँ। अब कोई बेचारा दुबला पतला सा है, वो किसी को जाके इंजोर तो नहीं करेगा, चाहे वो दुबला पतला भी हो, फिर भी इसको ऐसा, इसका डिल्यूजन है कि ये बहुत ज़्यादा टफ गाई है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, ये इस टफनेस के चक्कर में बहुत ज़्यादा वर्क करने लगता है, बहुत ज़्यादा काम करने लगता है, ये ओवर वर्क करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको लगता है मैं तो टफ हूँ। तो ये ओवर वर्क करने के चक्कर में इसकी ना बहुत ज़्यादा ट्रबल्स इसी से शुरू होती है आर्निका पेशेंट की। तो इसकी ना जो ओवर वर्क करने के चक्कर में इसकी ट्रबल्स इसी से शुरू होती है। तो अब क्या हुआ कि हमने दोबारा रिवीजन करना है, ये एक आर्निका मोंटेना का पेशेंट है, ठीक है, ये बिलोंग करता है प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम का थीम होता है सेंसिटिविटी, मतलब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इसी तरीके से ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते, कॉम्पोजिटिव फैमिली। जो कॉम्पोजिटिव फैमिली होता है, तो फैमिली अलग अलग होते हैं, जैसे सोलेनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, ऐसा होता है। तो उसी तरह एक होता है कॉम्पोजिटिव फैमिली, तो इसका कॉम्पोजिटिव फैमिली होता है, इनका जो थीम होता है, मतलब जो भी मेडिसिन कॉम्पोजिटिव फैमिली के विथ इन बिलोंग करती है, उनका थीम होता है इंजरी, मतलब उनकी लाइफ इंजरी के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो इसका, इसका मीनिंग क्या होगा कि ये एक आर्निका पेशेंट है, ठीक है, इसकी लाइफ की ये एक पार्ट है, मतलब एक लाइफ का एक सीन है। तो क्या होगा, इसको कोई लिविंग बींग या फिर नॉन लिविंग बींग या एक्सीडेंट कह लो, इसको इंजरी हुई, या तो फिर गलती से ये गिर गया, या फिर किसी ने इसको मारा, तो इसका रेस्पॉन्स क्या होगा, इसका रेस्पॉन्स होगा कि मैं इसको मारूंगा, ठीक है, इसने मेरे को मारा है, मैं इसको मारूंगा, इवन दो वो नॉन लिविंग थिंग हो, इसका मन करेगा मैं इसको तोड़ूं, ऐसे इसका इंजरी वाला थीम होता है। तो जैसे ये इंजरी वाला थीम हो गया, तो
तो ये आर्निका गाय क्या सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा टफ गाय है, तो वो ऐसे कहता है नथिंग द मैटर्स विथ हिम, कि मेरे को कोई किसी चीज़ से लेना देना है, मेरे को कुछ हुआ ही नहीं है, इवन दो ये बहुत डिजीज होगा, बहुत सिक होगा, फिर भी कहता है मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो इसलिए कहता है, मतलब ऐसे नहीं कहेगा कि मैं ठीक हूँ, ये कहेगा कि मेरे को वो दर्द ही नहीं है, मेरे को कुछ वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो फिर ये क्या करता है, अपना काम करता है, काम करता है, काम क्या करता है, ज़्यादा करता है, ओवर वर्क करता है। ओवर वर्क करने के चक्कर में इसको क्या होता है, उधर से इसको अपनी ट्रबल्स शुरू हो जाती है। तो इसी वे में गाइस हम पढ़ेंगे आर्निका मोंटेना अभी एलन से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कॉम्पोजिटिव फैमिली का थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ, बस समरी सा ही दे दूंगा, क्योंकि अभी तो हम आर्निका पढ़ने वाले हैं, ये हम दूसरे लेक्चर में दूसरे वीडियोस में पढ़ेंगे। तो जो कॉम्पोजिटिव फैमिली होता है, दो उसको सनफ्लावर या फिर डेजी फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। तो शॉक फ्रॉम बींग इंजर्ड और इंसल्ट, तो वो उसको ना उसकी एलिमेंट्स तब शुरू होती है जब उसको ये होता है कि उसको इंजरी होती है या फिर किसी ने इंसल्ट करा होता है, क्योंकि इंसल्ट भी तो एक तरीके की इंजरी होती है ना। तो उसको जब वो शॉक कंडीशन में चला जाता है, जब उसको कोई इंजरी होती है या फिर किसी ने उसको इंसल्ट किया होता है, तब जाके उनकी एलिमेंट शुरू होती है, उनकी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है। तो ये क्या होता है, उनका फियर ये होता है कि उनको कोई हर्ट कर देगा। देखिए जो हमने दूसरे वीडियो में पढ़ा था कि वो ओवर वर्क करा हुआ है उसने, ओवर वर्क करेगा तो कोई क्या होगा, कोई भी ओवर वर्क करेगा वो थक जाएगा, उसकी हर बॉडी में पेन होगा। तो वो क्या होता है, उस चक्कर में उसका ये होता है कि तू भी हर्ट, क्योंकि वो उसने क्या किया है, ओवर वर्क किया हुआ है। ओवर वर्क करने में क्या होता है, बॉडी में पेन होता है ना। तो इसी तरीके से, तो इसलिए उसको लगता है कि उसको कोई हर्ट करेगा, कोई इंजर्ड करेगा, कोई टच करेगा। तो इनको क्या होता है, कोई हल्का सा भी छू दे तो उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा ओवर वर्क करा है, बॉडी में इतनी सारी पेन हो रही है। तो या तो फिर उनको कोई मारेगा, किल्ड, बर्न, शॉट, एक्सीडेंट, स्कैल्ड, ये सब उनका वो होता है, ठीक है, फियर होता है। तो ये होता है, तो इसमें हम देख सकते हैं द टाइप ऑफ सेंसिटिविटी इज ओनली वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द डिजीज, मतलब इनको इस टाइप की सेंसिटिविटी होती है कि उनको ना कोई इंजोर करेगा, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा ओवरवर्क हो चुकी है कि उनको ऐसा लगता है कि कोई हल्का सा भी छुएगा तो उनको हर्ट होगा, इसलिए वो डरते हैं कि उनको इंजरी होगी, सेंसेशन ऑफ बीइंग इंजोर्ड, ठीक है। तो ये उसकी थीम है। अब हम आएंगे आर्निका मोंटेना पे। जो ये आर्निका मोंटेना होता है, तो जी जो आर्निका मोंटेना है ना, तो ये मोंटेना नाम आया है माउंटेन से, क्योंकि ये मिलता है माउंटेन में, ठीक है। तो जो माउंटेनर्स होते थे, तो वो माउंटेन जब क्लाइम करते थे तो उनको जब चोट लग जाती थी तो वो ये यूज़ करते थे। तो आर्निका मोंटेना, इनका कॉमन नेम होता है लियोपार्ड्स बेन माउंटेन टबैको। इसको प्रूव करा था डॉक्टर हैनीमैन ने 1805 में, और इसका मायाजम होता है एक्यूट, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि इसका मेन एल्कोलॉइड होता है आर्निसिन। तो ये आर्निसिन क्या होता है, ये एनल्जेसिक होता है, ठीक है, या तो फिर एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। तो ये जब इन्फ्लामेशन होता है, अगर चोट लग जाती है तो इंजरी में फर्स होता है कि इन्फ्लामेशन होता है, तो वो इन्फ्लामेशन को कम कर देता है, ठीक है, और एनल्जेसिक मतलब पेन किलर के फॉर्म में एक्ट करता है। तो इसलिए इसका टेस्ट क्या होता है, बितरिन टेस्ट होता है, और ये येलो कलर में दिखता है। तो इस तरीके से इसका होता है आर्निका का। तो अब हम पढ़ेंगे एलन की नोट से। तो इसका जो फैमिली, जैसे मैंने बताया कॉम्पोजिटिव फैमिली है, और इसका कॉमन नेम है लियोपार्ड स्पेन, ठीक है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखो, तो इसका होता है नर्वस वुमेन। वो नर्वस क्यों है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसको कभी भी चोट लग सकती है, उसको वो ट्रोमा है, ठीक है, इसलिए वो नर्वस है। सेंग्विन प्लीथोरिक पर्सन, मतलब जिसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लूइड है, मतलब जिसके बहुत ज़्यादा ब्लड है। तो देखो, जब आपको कभी कोई इंसल्ट होता है या फिर कभी चोट लग जाती है, तब वो उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है ना, वो वाले सेक्शन में, वो वाले पोर्शन में। तो उसी तरीके से ना सोचो कि ये पर्सन तो पूरा इंजरी का थीम ही है, तो इसलिए इसकी बॉडी में ना बॉडीली फ्लूइड बहुत ज़्यादा होता है। और क्या होता है कि लाइवली एक्सप्रेशन होता है, इतना ज़्यादा ब्लड होता है तो हमेशा चेयरफुल सा रहता है, ठीक है, और वेरी रेड फेस, क्योंकि इसकी बॉडी में, जैसे मैंने बताया कि जब इंजरी होती है तो वो एक सेक्शन में ब्लड आके उसी सेक्शन में ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो उसी तरह उसका फेस भी बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, इस तरीके का फेस होता है।
और इसको गुस्सा भी तो बहुत ज्यादा आता है इसलिए। तो स्पेशली एडेप्टेड टू दोज हु रिमेन लॉन्ग इंप्रेशन बाय अ वेरी स्लाइटेस्ट मैकेनिकल इंजरी। तो जैसे मैंने बताया था कि उनको बहुत ज्यादा ट्रोमा आया है कि उन्होंने बहुत ज्यादा ओवरवर्क कर ले, तो उनको लगता है कि कोई उनको गलती से भी छू देगा तो फिर उनको लगेगा कि उनको हर्ट होगा, और जो हर्ट होता है वो लॉन्ग इंप्रेशन बनाता है, बहुत टाइम टाइम तक उनकी बॉडी में पेन होता है ऐसे करके उनको, वो भी स्पेशली क्या से, मैकेनिकल इंजरी से, मतलब जो कोई सामान से जो भी उस तरीके से, मतलब उस चीज़ वाले इंजरी को कहते हैं मैकेनिकल इंजरी। तो इसका माइंड कैसा होगा, अनकॉन्शियसनेस, मतलब ये हमेशा क्या होता है कुछ ना कुछ आंसर करेक्ट करने की कोशिश करते हैं इवन दो वो अनकॉन्शियस है, और डिलीरियम एट वंस रिटर्न। हाँ तो अभी हम पढ़ेंगे इसका मेंटल जनरल्स। तो जब भी ये आंसर करता है ये हमेशा करेक्टली आंसर करने की कोशिश करता है, तो जब ये अनकॉन्शियस होता है मतलब ये अगर कोमा कन्वल्जन वाली स्टेट में चला जाता है तो ये क्या करता है, उसके बीच में जो लूसिड इंटरवल का पीरियड होता है, लूसिड इंटरवल का मतलब ये होता है कि जब वो पोर्शन में उसको कोमा या फिर कन्वल्जन की दिक्कत नहीं हो रही है, तो तब जब वो होश में होता है, ठीक है, जब वो अपने कंट्रोल में होता है, अपने सेंस में होता है, तो तब क्या करता है वो हमेशा अपना आंसर करेक्टली देने का कोशिश करता है, पर जैसे वो अनकॉन्शियस और डिलीरियम की स्टेट में वापस चला जाता है, तो यही सेम चीज़ हमें बेप्टिशिया में देखने को मिलती है। वो क्या करता है, वो डिलीरियम की कंडीशन में ना बोलते बोलते सो जाता है, डिलीरियम मतलब होता है बरबराना, ठीक है, तो वो उस तरीके की कंडीशन में वापस सो जाता है, इस तरह का कंडीशन होता है बेप्टिशिया में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पहले वो आंसर करेक्टली करने का कोशिश करेगा पर दोबारा से वो अनकॉन्शियसनेस और डिलीरियम की फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो और ऐसे कहता है उसको कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग द मैटर विथ हिम, जैसे मैंने बताया वो टफ गाय है, उसको ये लगता है। तो इसका फिजिकल जनरल क्या होता है, सोर ब्रूस लेम फीलिंग, ये तो हमारे मतलब जो बोल्ड लेटर्स में तो हमें याद करना ही करना है गाइस, ठीक है। तो ये जो सोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी है एज इफ बीटन, ट्रॉमेटिक इफेक्ट ऑफ द मसल, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया उस इतनी ओवरवर्क कर ली है कि उसको ये सब कंडीशंस आ रहे हैं, ठीक है, सोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग ऑल ओवर दी बॉडी, और उसको ना बिल्कुल पेन बियर नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा उसको वो हो रहा है, उसका इतना ज़्यादा ओवर सेंसिटिवनेस है। और ये ओवर सेंसिटिवनेस हम देख सकते हैं केमोमिला में, क्योंकि केमोमिला क्या आएगा, ये भी कॉम्पोजिटिव फैमिली का ही एक मेम्बर है, और कोफिया और इग्निशिया में, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं उसका फिजिकल जनरल्स। तो उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन है कि वो जहाँ पे भी लाई करता है वो उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसको कुछ सॉफ्ट चीज़ चाहिए, और वो उधर से इधर उधर मूव करता है कि उसको कोई जगह मिल जाए जहाँ वो कोई सॉफ्ट पार्ट हो और उसको दिक्कत ना हो, क्योंकि उसकी बॉडी में ना इतना ज़्यादा पेन है कि वो इधर उधर सब जहाँ पे भी लाई करो उसको सब चीज़ दिक्कत दे रही है। तो द पार्ट रेस्टेड अपॉन फील सोर एंड ब्रूस्ड, ये भी बैप्टिशिया में देखने को मिल रही है हमें, और ये पायरोजन में देखने को मिल सकते हैं, मस्ट मूव कंटिन्यूसली टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम द पेन। तो जैसे मूवमेंट से जिसको रिलीफ आता है हमें पता है वो रस्टॉक से, ठीक है, तो वैसे ही इसको भी ऐसे मूव करना होता है जब ये फिजिकल जनरल इसका हम पढ़ रहे हैं। गाइस मैं आप लोगों को वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इसका जो सोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग है, तो इसको मैंने थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करी है, क्योंकि मेरे को ना ऐसे पढ़ने में ज़्यादा इजी होती है, तो आप लोगों को कैसे लगता है मेरे को बताइए। तो जो ये सोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग ऑल ओवर दी बॉडी है, तो इसको मैंने थोड़ा डिकोड करा है इसमें, एज इफ बीटन ट्रोमेटिक इफेक्शन ऑफ द मसल्स व्हेन दिस इज ओवर। तो इसमें क्या होता है, ये कब एक्चुअली में इसका फिजियोलॉजी हम देखेंगे अभी, मतलब जब इसको हम इसका साइंटिफिक थोड़ा सा इसको साइंस वाला बैकग्राउंड में देखते हैं, तो क्योंकि वो तो उन्होंने एलन ने बस खाली सिम्टम्स बताए हैं, पर हमें पता नहीं है इसका फिजियोलॉजी पीछे क्या है, फिजियोलॉजी पैथोलॉजी, तो हम इसको देखेंगे अभी। तो इसमें ये कह रहा है, व्हेन देयर इज ओवर यूज ऑफ मसल, जब भी हम अपने मसल को ओवर यूज कर लेते हैं जब भी कंडीशन में, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन हो गया, कोई ज़्यादा काम कर रहा है, तो तब जब भी ओवर यूज ऑफ मसल हो जाता है तब ये वाला रिएक्शन हो जाता है, सोर लेम ब्रूस्ड वाला फीलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये मायोफेशिया पेन सिंड्रोम क्रिएट करता है। तो ये कंडीशन में क्या होता है, ये मायो मतलब मसल और फेशिया मतलब जो हमारा फेशिया होता है, मसल और फेशिया में पेन क्रिएट होता है और एक सिंड्रोम फॉर्म करता है, मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो ये कंडीशन क्या होता है कि जब फेशिया स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू जब इफेक्ट होती है तो वो जाके स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये
स्पाइनल कॉर्ड में जब जाता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो स्पाइनल कॉर्ड में जब गया है तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड हो रहा है। तो जैसे ये बेड में ले करेगा तो इसको तो ऑब्वियसली बेड हार्ड लगेगा ना, तो इससे हो रहा है हमारा क्लियर, है ना, कि इसको इसका बेड एवरीथिंग ही लाइज ऑन सीम्स टू हार्ड क्यों हो रहा है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। तो इसको क्या होता है, बेहतर बाय स्ट्रेचिंग होता है। मतलब ये एक फिजियोलॉजी है, ठीक है, ये एक फिजियोलॉजी पैथोलॉजी है जिसको मैंने इस मतलब इसको थोड़ा सा डिकोड करके आपको बताने की कोशिश करी। इसके वजह से क्या होता है, नर्वस कैन नॉट बियर पेन, होल बॉडी ओवर सेंसिटिव, एवरीथिंग ही लाइज सीम्स टू हार्ड, कंप्लेन कॉन्स्टेंटली ऑफ इट। अब थोड़ा सा मैं हेड का भी बताना चाहूँगा आप लोगों को। तो हेड में क्या होता है कि हाइड्रोसेफेलस होता है, ठीक है, वो दिख रहा है। तो जो हाइड्रोसेफेलस होता है ये क्या होता है, ये होता है एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द वेंट्रिकल्स एंड केविटी ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन का वेंट्रिकल्स और केविटी ऑफ द ब्रेन होता है, उधर में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो फ्लूइड होता है वो ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड में लिंक होता है ना, तो ये जो फ्लूइड होता है ये एबनॉर्मली क्या हो जाता है, ये ब्रेन के वेंट्रिकल्स और केविटी में जाके एक्यूमुलेट होने लगते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसके वजह से, इसकी ये एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन की वजह से, ये नॉर्मल नहीं है, ये तो नॉर्मली स्पाइनल फ्लूइड में ही रहता है, ब्रेन में भी रहता है, लेकिन ये एक्यूमुलेट नहीं होता। लेकिन ये एबनॉर्मल अमाउंट में जब ये एक्यूमुलेट होने लगता है तो ये क्या होता है, ये प्रेशर इंक्रीज कर देता है इन द इंटरक्रेनियल। तो ये जो क्रेनियम में इसका जो ब्रेन का जो क्रेनियल पार्ट है, क्रेनियल का इंटरक्रेनियल में वो क्या होता है कि इनसाइड द स्कल में वो प्रेशर बनाने लगता है। जैसे कोई बलून है उसको कहीं भी डाल दो और उसमें पानी भर दो तो वो भारी हो जाता है ना, और वजन हो जाता है, तो और वो क्या करते हैं, जहाँ पे आपने रखा है वहाँ में वो प्रेशर डालने लगता है। वैसे ही जो आपका ब्रेन है उसमें जाके सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, तो जैसे इसका एक्यूमुलेशन के कारण क्या हो रहा है, ये प्रेशर बना रहा है, ठीक है, ये प्रेशर बना रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये प्रोलोंग एनलार्जमेंट ऑफ हेड कर रहा है, कि हेड को बड़ा कर रहा है, इसका साइज बड़ा कर। तो जब नॉर्मल सीएसएफ का सर्कुलेशन कैसा होता है, जो लेटरल वेंट्रिकल होता है तो वो फोरामेन ऑफ मोंड्रे के बीच में, मतलब इसके प्रेजेंस में क्या करते हैं, थर्ड वेंट्रिकल में जाता है। तो जब नॉर्मल सीएसएफ का सर्कुलेशन कैसा होता है, जो लेटरल वेंट्रिकल होता है तो वो फोरामेन ऑफ मोंड्रे के बीच में, मतलब इसके प्रेजेंस में क्या करते हैं, थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, और फिर ऐसे ऐसे करके इसका वो हो जाता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो, सीएसएफ पहले लेटरल वेंट्रिकल में गया, ये नॉर्मल सर्कुलेशन की हम बात कर रहे हैं, फिर थर्ड वेंट्रिकल में गया, फिर इसके बाद फोर्थ में गया, फिर इसके बाद ऐसे जाके स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, फिर इसके बाद वो सब आर्केनोइड स्पेस में भी जाता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का हमें इसका केस देखो, इसमें से क्या हो रहा है, ये रीअब्जॉर्ब होके वीनस साइनसिस में चला जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ में तो ये तो नॉर्मल हम पढ़ रहे हैं, तो जो एबनॉर्मल होता है उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें इंक्रीज वीनस रेसिस्टेंस होता है। जो यहाँ रीअब्जॉर्ब हो रहा है वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा, ये क्या हो रहा है कि उसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है, वीनस रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वाइट मैटर है इसमें इस्चीमिया प्रोड्यूस होने लगता है। तो हमें पता है ये इस्चीमिया क्या होता है कि इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। तो जब इस्चीमिया की कंडीशन होने लगती है तो क्या होता है कि उसके कारण उसमें डेडली कोल्डनेस इन द चाइल्ड होता है। जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो ही नहीं रही तो उसकी वजह से उसमें डेडली कोल्डनेस इन द फोरामेन हो रहा है। तो इसी से हम पढ़ सकते हैं गाइस कि डेडली कोल्डनेस इन द फोर आर्म्स ऑफ चिल्ड्रन की हो रही है, सॉरी फॉर आर्म्स, सॉरी ये डेडली इन द चिल्ड्रंस, ठीक है, क्योंकि इसके बॉडी में क्या हो रहा है कि इस्चीमिया क्रिएट हो गई ना इसके वजह से, तो जिसके वजह से इसमें वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट भी हो रहा है, तो इसके वजह से इसमें चाइल्ड में ये हो रहा है, ठीक है। और जो मेनिंजेस होती है जो कि मैकेनिकल एंड ट्रोमेटिक इंजरी, तो ये क्या होता है कि देखो, ये हमने जैसे पढ़ा था ये एनल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो मेनिंजाइटिस क्या हो रहा है, मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है क्या, आफ्टर मैकेनिकल या फिर थ्रोमेटिक इंजरी, किसी ने उसको मारा है मैकेनिकली या फिर उसको कोई ट्रोमा हुआ है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो ये हमें पता है कि आर्निका मोंटेना एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, तो इसलिए हम इसको मेनिंजाइटिस के उसमें भी कंडीशन में भी दे देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड रिड्यूस ऑक्सीडेशन, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। और ये जो जीआईटी का भी हम पढ़ेंगे, तो जीआईटी में हमें क्या देखने को मिल रही है कि बेल्चिंग, इरेक्टेशन, फॉल, प्यूट्रिड
लाइक रोथनेक्स। तो जब वो बेल्चिंग करता है या फिर इरेक्टेशन करता है या फिर उसमें क्या होता है, फोल प्यूत्रित मतलब बिल्कुल सरा हुआ गंदा सा रोटन एग्स, जो एग सर चुका है उस तरीके का स्मेल आता है, ठीक है। तो इसका मैंने फिर डिकोड करा है थोड़ा सा, तो उसमें करा है कि ये क्या होता है, ये रोटन उसका ना सीलिएक डिजीज में होता है। यूजुअली सीलिएक डिजीज क्या होता है, जो ना जिसको ग्लूटेन एलर्जी होती है तो उसमें ये वाली कंडीशन आती है गाइस। तो इसमें क्या होता है कि जो H2S है स्टमक में, तो इसका H2S का एक्यूमुलेशन हो जाता है स्टमक में कोई एक डिजीज कंडीशन में। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसकी वजह से उसको बेल्चिंग या फिर इरक्टेशन करने में इसको फाउल प्यूत्रिड एग वाला स्मेल आता है। ये आप समझ गए ना, अभी इसका स्मेल क्यों है, क्योंकि H2S उसके स्टमक में है, ठीक है। हाँ गाइस, तो अभी हम डिसेंट्री पढ़ेंगे। तो डिसेंट्री क्या होता है, विद इस्टूरिया होता है। तो जो एक्यूट किडनी वो इन्फेक्शन हो जाता है, तब जाके इसमें क्या होता है कि फ्लो ऑफ यूरिन डिक्रीज हो जाती है, तो इसके साथ डिसेंट्री आ रही है, ठीक है। तो उसका अर्जिंग क्या होगा, फ्रूटलेस होगा, और क्या होगा, लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द स्टूल, मतलब हर एक स्टूल के बीच में उसको बहुत ज़्यादा लंबा लंबा इंटरवल के साथ डिसेंट्री होती है। ये कोई एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम्स है, क्योंकि डिसेंट्री क्या होती है कि एक के बाद एक अर्ज आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द स्टूल हो रहा है, जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि रेक्टम लोडेड फीशीज नॉट कमिंग आउट, रिबन लाइक स्टूल फ्रॉम एनलार्ज प्रोस्टेट और रेट्रोवर्स यूटेरस। तो इसको हम डिकोड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इसने बता दिया है कि इसका क्या हो रहा है कि जब रेट्रोवर्टेड यूटेरस होता है, जो नॉर्मल यूटेरस नहीं होती वो रेट्रोवर्टेड होता है, ठीक है, और या फिर उसका प्रोस्टेट एनलार्ज होता है, तो इसमें क्या होता है कि रिबन लाइक स्टूल होता है, ठीक है, ऐसे 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 करके उसका स्टूल आता है, और क्या होता है वो रेक्टम में लोड हो जाता है उसका फिशिस और आता नहीं है बाहर, विल नॉट कम आउट। तो इस तरीके का कॉन्स्टिपेशन होता है इसका। क्यों हमें पता लग गया, एनलार्ज प्रोस्टेट और रेट्रोवर्टेड यूटेरस। तो ये हो गया इसका GID। हमने आइस छोड़ दिया था, आइस में ये कि कंजंक्टिवल या फिर रेटिनल हेमरेज या फिर आई में देखो कोई भी इंजरी हो रही है, ठीक है, विद एक्सट्रावेशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि इंजरी और कफ और कोल्ड फ्रॉम इंजरीज और कफ, मतलब कोई खांसने पे या फिर किसी ने उसको मतलब इंजर कराया आइस में, तो तब जाके उसका ना ये सब होता है, मतलब तब जाके हम इसको आर्निका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और यही सेम सिम्टम्स हम लीडमपाल में देखते हैं और नक्स वोमिका में देखते हैं, ठीक है। रेटिनल हेमरेज हो गया विद एक्स्ट्रावेसेशन फ्रॉम इंजरी और कफ, ये हमने आइस कर लिया। अब हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो सोरनेस ऑफ द पार्ट आफ्टर लेबर, देखो लेबर में हमें पता है कि इंजरी टाइप ही होती है, टियर वेयर एंड टियर हो ही रहा है। तो इसमें क्या होता है कि सोरनेस हो जाती है ना वो पार्ट में, या तो फिर पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाता है कि पार्टम मतलब आफ्टर डिलीवरी उसके मतलब सॉरी पार्टम मतलब डिलीवरी, पोस्ट मतलब आफ्टर मतलब डिलीवरी के बाद अगर उसको हेमरेज हुआ है तो तब, ठीक है। और परप्यूरल कंडीशन मतलब डिलीवरी के मतलब जब उसने बेबी वो कर लिया, कंसीव कर लिया उसके थोड़े टाइम के बाद, हम ना इसको वो करते हैं उसकी कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी हम दे सकते हैं। रिटेंशन और इनकंटिन्यूंस ऑफ यूरिन आफ्टर लेबर, ठीक है, लेबर के बाद उसकी यूरिन इनकंटिन्यूशन हो गई या फिर रिटेंशन हो गया, जो कि ओपीएम में भी देखने को मिलता है, तब हम जाके उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आर्निका मोंटेना। एक्सट्रीमिटीज में क्या होता है, देखो इसकी इतनी ज़्यादा ऐसे है कि इसको इतनी ज़्यादा बॉडी में पेन है ना, कि आप इसमें भी देखो रूमेटिज्म और गाउट में भी उसको फियर ऑफ बींग टच और तक बाई पर्सन कमिंग नियर हिम, को उसके पास आएगा तब भी उसको दिक्कत होती, कभी भी मेरे को टच ना कर दे ऐसे करके। और कैन नॉट वॉक इरेक्ट और अकाउंट ऑफ ए ब्रूस सोर ऑफ फीलिंग इन द पेल्विक रीजन, उसको पेल्विक रीजन में भी उसको इतनी ज़्यादा पेन होती कि वो इरेक्ट नहीं चल सकता, स्ट्रेट नहीं चल सकता ऑन अकाउंट ऑफ ब्रूस सोर ऑफ फीलिंग, मतलब उसको इतनी ज़्यादा ब्रूस सोर्ट ऑफ फीलिंग होती है कि वो ऐसे खड़े होके नहीं जा सकता। कहाँ फीलिंग होती है, ये पेल्विक वाले रीजन में, पेल्विस में, ठीक है। और इसका नर्वस सिस्टम अभी हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो मैकेनिकल इंजरीज होती है, ठीक है, कि उसको एक्सटर्नली किसी को मैकेनिकली लगा इंजरी, ठीक है, तो इस तरीके का कंडीशन में हम देते हैं स्पेशली विद स्टूपर फ्रॉम कंफ्यूजन, ठीक है, स्टूपर मतलब स्लीपी वाली स्टेज में हो जाती है, फ्रॉम कंकशन हो जाता है, तो इनवॉलेंट्री फीसेस एंड यूरिन होने लगता है इसको, ठीक है।
तो एपोप्लेक्सी क्या होता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब होता है, इनवॉलेंट्री इवैक्यूएशन फ्रॉम बोवल एंड ब्लैडर, ठीक है, जो हमने ये पढ़ा था, इनवॉलेंट्री फीसेस एंड यूरिन, तो ये सब जब होता है, और कंट्रोल्ड हेमरेज एंड एड्स एब्जॉर्प्शन, तो ये क्या करता है, ये आर्निका हेमरेज को कंट्रोल करता है और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है. शुड बी रिपीटेड एंड अलाउड टू एक फॉर डेज और वीक्स अनलेस सिम्टम्स कॉल फॉर अनदर रेमेडी. ये तब तक हमें देना चाहिए जब तक ये इस तरीके से, मतलब ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं. क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं कि इसको कॉन्शियसनेस नहीं है एपोप्लेक्सी में, तो इसको इनवॉलंट्री इवोक्यूएशन है, मतलब इसको कंट्रोल नहीं है अपने ब्लैडर और बोवल में. और इसका क्या होता है, तब ये क्या करना है, इसको हेमरेज के लिए देना है, क्योंकि ये क्या कराता है, एब्जॉर्प्शन कराता है. तो इसको हमें रिपीटेडली देना होता है और अलाउ टू एक्ट फॉर डेज और वीक्स अनलेस इसका सिम्टम्स चेंज नहीं हुआ, और चेंज हो गया तो हमें कोई दूसरी रेमेडी इसको प्रेस्क्राइब करनी है ये पर्सन को. तो ये जो पैरालिसिस है, ये हमेशा इसका लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, क्योंकि ये मोटर नर्व इफेक्ट करता है. तो पल्स इसका हमेशा फुल स्ट्रॉन्ग होता है. इसके बाद साइट्स टेरोर स्टर्टोर और मथरिंग होता है इसका. इसका फीवर क्या होता है, हीट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, कोल्डनेस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि इसने इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करी होती है कि इसका क्या होता है, ऊपर वाला बॉडी पार्ट हमेशा इसका गर्म होता है और इसका ना कोल्डनेस इन द लोअर पार्ट होता है. फेस और हेड एंड फेस अलोन इज हॉट, द बॉडी इज कोल्ड, ठीक है. तो इसको हम इंजरी में मेन इंडिकेटेड है. तो बेड इफेक्ट ऑफ रिजल्टिंग इन द मैकेनिकल इंजरी, जो हम आगे से पढ़ रहे हैं, इवन इफ रिसीव्ड बहुत साल पहले अगर इसको दिया भी होगा तब भी हम इसको प्रेस्क्राइब करेंगे अर्निका, ठीक है. तो उसके बाद आफ्टर इंजरी फ्रॉम विथ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, ब्लंट मतलब जो ऐसे शार्प नहीं हो, जिसके एडजस्ट वो हो जाते हैं, मतलब बंद वाले एडजस्ट, जिसको जैसे जो नाइफ होता है, जैसे ये हो गया, ये तो पॉइंटेड पॉइंटेड वाले इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे, जैसे ब्लंट होते हैं, जिससे जिसका वो एज शार्प ना हो, बंद हो, जिसको लगने से ब्रूसेस वगैरह बन जाते हैं ना, तो उस तरीके के. तो कंपाउंड फ्रैक्चर होता है या फिर प्रोफ्यूज सप्यूरेशन, तब भी दे सकते हैं, कैलेंडुला भी दे सकते हैं इस केस में. तो हमें पता है कि कैलेंडुला भी इसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है. तो कंकशन एंड कंट्यूजन रिजल्ट ऑफ शॉक और इंजरी विदाउट लेसरेशन ऑफ द सॉफ्ट पार्ट, तो उसमें कंकशन और कंट्यूजन आ जाता है. तो उसके बाद विदाउट लेसरेशन ऑफ द सॉफ्ट पार्ट, मतलब वो छील नहीं जाएगा, उसके अंदर ही अंदर उसमें ना ब्लड वेसल्स के डिस्ट्रक्शन में, तब जाके हम इसको देते हैं, क्योंकि ये क्या कराता है, सप्यूरेशन को प्रिवेंट कराता है, सप्यूरेशन होने नहीं देता है और सेप्टिक कंडीशन होने नहीं देता है, और एब्जॉर्प्शन प्रमोट करता है. हमने ये एब्जॉर्प्शन को पहले भी पढ़ा है कि एब्जॉर्प्शन प्रमोट करते हैं, ठीक है. तो टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल बॉयल वन आफ्टर अनादर, एक्सट्रीमली सोर, इस तरीके में भी हम दे सकते हैं ये स्किन की कंडीशन में, जब उसका क्या होता है, पेनफुल बॉयल्स होता है, एक के बाद एक आता रह रहा है, और एक्सट्रीमली सोर, बहुत ज़्यादा ऐसे सोर नहीं होता, दर्द एकदम ऐसे करके, वो वाले टाइप के बॉयल्स को, जो कि स्मॉल होता है, छोटे ही होते हैं हमेशा, उनका टेंडेंसी होता है स्मॉल होने का. तो इसका मॉडलिटीज हम देखेंगे अभी. एग्रावेशन क्या होता है, जब वो रेस्ट करते हैं जैसे मैंने बताया, और लाइंग डाउन और फ्रॉम वाइन, मतलब इनको ना ऐसे अच्छे पोजीशन ढूंढने में हिलते रहना पड़ता है, तो उस तरीके से इनकी रेस्ट में एग्रावेशन है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है. जब लाइंग डाउन, इनके पूरे बॉडी में इतना ज़्यादा पेन है कि अगर ले करता है तो उसकी स्पाइन में इसको पेन होता है, स्पाइन में जो मैंने बताया था CSF वाला, तो वो वाला होता है. और फ्रॉम वाइन, ठीक है, वाइन पीने में इसको वो हो जाता है, दिक्कत हो जाती है. एम्बलरेशन देखेंगे अभी. फ्रॉम कॉन्टेक्ट, ठीक है, तो कॉन्टेक्ट मतलब कोई उसको ना ऐसे करके, टच नहीं पर ऐसे प्रेशर टाइप से उसको, तब ठीक लगता है. और मोशन से, अगर वो हिलता रहेगा, सेफ प्लेस ढूंढता रहेगा, वैसे करके उसको अच्छा लगता है मोशन में. तो जिससे होता है रस्टोक्स और रूता में, ठीक है. इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है वो होती है एकोनाइट, हाइपरिकम और रस्टोक्स, ठीक है. और रस्टोक इसलिए हो रही है क्योंकि देखो ये बहुत, इसको भी मोशन से इनका रिलेशन है ना. हाइपरिकम इंजरी के बेस में इनका रिलेशन हो गया कॉम्प्लीमेंट्री. और एकोनाइट होती है क्योंकि ये भी तो एंशियस ही है ना, इसको कोई आके टच कर देगा तो एकोनाइट भी तो बहुत ज़्यादा एंशियस होती है, तो उसी तरह. तो सिमिलरिटी टू फॉर सोरनेस एज इफ ब्रूस्ड, तो ये वाले सिम्टम्स के साथ इसकी कौन कौन सी सिमिलरिटीज है, वेप्टिशिया हो गई, चाइना हो गई, फाइटोलाका हो गई, पायरोजेनम हो गए, रस्तोक हो गई, स्टेपिसग्रिया हो गई. तो आर्निका को किस किस मेडिसिन के बाद देना चाहिए, वो होता है एकोनाइट, एपिस, हेमामेलिस, एपिके, पेरिथ्रामेलवम, ये सब इसके बाद देना होता है, ठीक है. आर्निका के बाद तुम दे सकते हो. इन एलिमेंट्स फ्रॉम स्पिरिचुअस लिकर और फ्रॉम चारकोल वेपर, आर्निका इज ऑफ्टन इंडिकेटेड, तो जो चारकोल का वेपर होता है तो उस
उस चीज की दिक्कत के लिए भी हम आर्नी का प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाली रेमेडी होती है एमोनियम कार्ब और बोविस्ता। तो इन स्पाइनल कन्वर्जन, इसको हाइपरिकम के साथ हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी मेडिसिन आर्निका मोंटेना। होप आप लोगों को समझ आई हो, मेरे को बताना, कमेंट में श्योर लिखना। ठीक है, थैंक यू, गुड लक।